माधोगढ़ के लिए उपजिलाधिकारी माधोगढ़ की अध्यक्षता में सेवा गौशाला को लेकर मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सेवा ग्रामों के सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी के स्विच, लेखपाल, अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अन्य जानवरों को लेकर है। वही पर वह जिससे किसानों को भी हो रही फसल वृष्टि यातायात के लिए मार्ग पर वह आए दिन ही हो रही दुर्घटनाओं के लिए उपजिलाधिकारी ने इस संबंध में अग्रवागत करवाते हुए बताया है कि शासनादेश में सेवा के अनुसार वह पर ग्राम प्रधानों के लिए द्वारा गौशाला को भी कार्य पूरा किया जाए। इसके साथ ही वह लेखपाल व स्विच गौशाला के लिए जगह देख पर वह परख व संयुक्ति कार्रवाई बनाई जाए। वह पर गौशाला के लिए विविधीय संबंध के वह दर्शाया गया है। वही पर वह क्षेत्र अधिकारी माधोगढ़ राहुल पांडे ने भी इस बात पर वृष्टि डालते हुए बताया है कि वही पर वह पालतू गाँव को भी आना जानवरों के लिए श्रेणी न छोड़े जाए और आए दिन ही फसल वृष्टि की दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। माधोगढ़ के कोतवाल जेपी पाल ने भी अन्य जानवरों को लेकर वह बताया है कि जो लोग पालतू गाँव को भी दूर खा कर वही पर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर वही जानवर किसी फसल वृष्टि यातायात दुर्घटनाओं का भी कारण बन जाता है। शुरू होने वाला रबी की बुआई, तो जो अन्ना पशु हमारे जो घूम रहे हैं उनको सड़कों पे ना घूमे, अन्ना पशु जो अस्थायी गौशाला में बन जाए और जो जिन व्यक्तियों के हों वो अपने घरों में बांध लें, इस तरह ये उसको अन्ना पशु की उसके रोकथाम के लिए ये बैठक प्रधान ग्राम प्रधान सचिव हमारे लेखपाल साहबान और इंस्पेक्टर साहबान ने सभी को बुलाया गया था और सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समस्या के समाधान के लिए ये बैठक की। क्या शासन की ओर से कोई मुख्य उद्देश्य आया सर इसके लिए गौशाला गोवंश को बचाने हेतु? देखिए, जो आया शासनादेश के कुछ ऐसा ही प्रावधान जो नया शासनादेश आया है कि कोई व्यक्ति जो पाल रहा हो तो चार जानवर रख सकता है वो अन्ना पशुओं में से, उसको स्थायी गौशाला से प्रदान किए देगा वो, और उसमें 30 रुपये पर पशु उसको देने का ही प्रावधान है इस तरह शासनादेश। तहसील के अंतर्गत में जितने भी गाँव आते सर, कितने गाँवों में लगभग गौशाला कम्प्लीट हो चुकी है? लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन